सब्सक्राइब कीजिए कैपिटल न्यूज पलामू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए पलामू की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए। काफी लंबे अरसे के बाद जब झारखंड में पंचायत चुनाव हुआ तब लोगों में यह आस जगी थी कि अब घर घर विकास होगा, कि उनके घर का, उनके गांव का चुना हुआ एक जनप्रतिनिधि उनकी आवाज को बुलंद करेगा, सरकार से जो योजनाएं आ रही हैं वो उनके घर तक आएंगी, उन्हीं के घर का, उन्हीं के वार्ड का पार्षद, उन्हीं के पंचायत का मुखिया उनकी देखभाल करेगा और सभी योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। चुनाव हुआ और इसके बाद जस्ट मामला उलटता दिखाई पड़ा। एक ताज़ा मामले में पाकी थाना क्षेत्र के कोनवाई पंचायत का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जहां प्रखंड विकास पदाधिकारी ने निरीक्षण किया तो 53,821 रुपए की राशि से फर्जी चापाकल की निकासी की गई, ये बात सामने आई। दरअसल कोनवाई पंचायत में विद्यालय के समीप पहले से ही चापाकल उपलब्ध था और उस चापाकल पर वहां के मुखिया ने 53,821 रुपए की राशि दिखाकर निकाल ली। जब इसकी शिकायत ग्रामीणों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी से की तो प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ बाकी की प्रमुख उर्मिला देवी और उप प्रमुख राजेंद्र पांडे इस बात की पड़ताल करने कोनवाई पहुंचे, जहां उन्होंने इस बात की सत्यता की पुष्टि की कि यह मामला सच है, 53,821 रुपए की फर्जी निकासी कर ली गई है। वीडियो ने तत्काल मुखिया को फटकार लगाई और इसके साथ ही साथ कार्यशैली में सुधार लाने की भी चेतावनी दी। सिर्फ यही नहीं, बकरी सेड में भी कई सारे घोटाले का मामला सामने आया। इसमें निकासी हो गया तो गलत हुआ है, गलत तरीके से वो काम हुआ है ना, इस पर हम देखते हैं, जांच और करते हैं, अपने लेवल्स करते हैं, अगर कुछ अनियमितता है तो मैं अपने वरीय पदाधिकारी को इन्फॉर्म करूंगा इसमें और उस पर कार्रवाई, उचित कार्रवाई की जाएगी। कोनवाई पंचायत में कोनवाई पूर्वी टोला में जो उत्क्रमित विद्यालय है यहाँ पर चापाकल का पैसा निकासी कर लिया गया है, लेकिन यहाँ चापाकल, यहाँ का ग्रामीण को कहना है कि यहाँ चापाकल जो है सो 2003 में जिस समय स्कूल बना था उसी समय जो है सो लगा है, उसके बाद कोई चापाकल यहाँ नहीं हुआ है। और मुखिया के द्वारा 53,821 रुपया का यहाँ मतलब चापाकल के बोर के नाम पर निकासी दिखाया गया।